जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के काफिले की स्कॉर्ट गाड़ी पलट गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए पप्पू यादव ने बताया कि हम और हमारे साथी अभी बाल बाल बचे हैं। दुर्घटना गंभीर थी। उन्होंने बताया कि सहरसा से कार्यक्रम समाप्त कर दरभंगा जाने के क्रम में बलुआ पुल के पास हमारी सुरक्षा में तैनात सहरसा स्कॉर्ट गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में पलट गई, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी और हम बाल बाल बचे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हमने तत्काल घायल सुरक्षा कर्मी सहरसा अध्यक्ष रंजन समीर पाठक और नंदन को अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गाड़ी में बैठाओ जल्दी से, इनका हाट पर लग गए, वो मोटरसाइकिल वाला बदमाशी कर लगे, और बचवे में बच गए। जल्दी जल्दी करो, इतना बदमाशी वो मोटरसाइकिल वाला कर लगे। एक बार रंजन हो छोड़ियो, मोटरसाइकिल वाला एकदम बदमाशी कर लगे, और बचवे में बेचारा सब इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। Get ready for the...